अक्षर और अश्विन की फिरकी में फंसे अंग्रेज, दो दिन में भारत ने बजाई इंग्लैंड की बैंड, अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने महज दो दिन में जीत हासिल कर ली, स्पिनर्स की मुफीद पिच पर भारत को जीत के लिए महज 49 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे हासिल करने में विराट एंड कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आई। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 112 रनों पर सिमटने के बाद भारतीय टीम दूसरे दिन महज 145 रनों पर ढेर हो गई। भारत को पहली पारी में 33 रन की बढ़त मिली। इसके बाद भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल और रवि अश्विन ने दूसरी पारी में कहर बरपाती हुई गेंदबाजी कर इंग्लैंड को सिर्फ 81 रनों पर समेट दिया। अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में 5 और अश्विन ने 4 विकेट लिए। 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर को मिला। टीम इंडिया ने जीत हासिल कर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है और उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं और इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो गया है। अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन पिच का मिजाज ऐसा बदला कि 3 विकेट पर 99 रन बनाने वाली टीम इंडिया महज 145 रनों पर ढेर हो गई। दूसरे दिन का पहला विकेट जैक लीज ने लिया, जिन्होंने अजिंक्य रहाणे को 7 रन पर आउट किया। इसके बाद रोहित शर्मा भी जैक लीज की गेंद पर आउट हो गए। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। रोहित के आउट होते ही इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपनी फिरकी से तहलका मचा दिया। जो रूट ने ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को 0 पर आउट कर दिया। इसके बाद वो अश्विन का विकेट भी ले उड़े। अंत में जो रूट ने बुमराह को आउट कर अपने 5 विकेट पूरे कर लिए। रूट ने महज 8 गेंद पर 5 विकेट झटके। भारत के 7 विकेट 46 रन पर गिरने के बाद सभी को लगा कि इंग्लैंड अब मैच में वापस आ गया है, लेकिन अक्षर पटेल ने दूसरी पारी की पहली गेंद पर ही सभी को गलत साबित कर दिया। अक्षर पटेल ने पहली ही गेंद पर जैक कोहली को 0 पर आउट किया। इसके बाद उन्होंने उसी ओवर की तीसरी गेंद पर बेरेस्टो को भी पवेलियन की राह दिखा दी। डोम सिल्वी भी 7 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। इसके बाद जो रूट और स्टोक्स ने कुछ देर क्रीज पर समय बिताया। स्टोक्स 25 रन ही बना सके। अश्विन ने उन्हें एक बार फिर आउट कर दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने जो रूट को 19 रन पर आउट कर इंग्लैंड को छोटे स्कोर पर समेटने की राह तय कर दी। पटेल ने फॉक्स को आउट कर अपना 5 विकेट पूरे किए और अश्विन ने ओली पोप को, उसके बाद जोफ्रा आर्चर को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए। आखिरी विकेट वॉशिंगटन सुंदर के हाथ लगा और इंग्लैंड की दूसरी पारी से 51 रनों पर ढेर हो गई। महज 49 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने आसानी से जीत दिला दी।